हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आप सभी को सबसे पहले अक्षय तृतीय की बहुत बहुत बधाइयाँ। दोस्तों, अक्षय तृतीय कलयुग में दान करना सर्वश्रेष्ठ माना गया है, लेकिन यदि अक्षय तृतीय पर आप किसी भी चीज़ का दान करते हैं तो इसका बहुत बहुत महत्व आता है। अक्षय तृतीय के दिन क्या होता है? सूर्य, चंद्रमा सभी अपनी उच्च राशि में होते हैं और इसीलिए इस दिन को अबुझ मुहूर्त कहा जाता है। सूर्य और चंद्रमा दोनों ही हमारे जीवन में बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। चंद्रमा को जहाँ मन का स्वामी माना जाता है, वहीं समस्त परिणामों को प्रत्यक्ष रूप से शीघ्रता से हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। और सूर्य, उनकी तो बात ही कुछ और है। उनका सूर्य नक्षत्र मंडल के स्वामी हैं और केंद्र हैं। बिना सूर्य कोई भी ग्रह एग्जिस्ट ही नहीं करते। दोनों प्रत्यक्ष देवों की श्रेणी में आते हैं और इन्हें हम देवी देवताओं की तरह पूजते हैं। अक्षय तृतीय के दिन जब दोनों ग्रह अपनी उच्च राशि में होते हैं तो इस दिन अबुझ मुहूर्त कहलाता है। काफ़ी सारी चीज़ों के दान के लिए क्यों बताते हैं? मंगल की शुभता के लिए, कर्ज से मुक्ति के लिए, जैसे सत्तू हुआ, लाल चंदन हुआ, गुड़ हुआ, लाल वस्त्र हुआ, ताम्र पत्र हुआ, फल फूल हुआ, ये सभी चीज़ों का दान आपको मंदिर में देना चाहिए। जहाँ चंद्रमा की शुभता की बात आती है और मन की शांति, अगर आपके घर पे मन में क्लेश है, डिप्रेशन है, घर पे क्लेश है, तो आपको चावल, घी, चीनी, मोती, शंख, कपूर, इन सब चीज़ों का दान करना चाहिए। जहाँ मान सम्मान में कमी होती है घर पे, अगर लगता है कि आपके इज्जत नहीं है, मान सम्मान की कमी है, तो जौ का सत्तू, गेहूँ, मसूर की दाल या साबुत मसूर, घी, गुड़, शहद और मूंगा जैसे स्टोन्स का आप दान कर सकते हैं। जहाँ मनुष्य का मन चंचल रहता है, उसके चरित्र पे बार बार लांछन लगते हैं, उनको हरा वस्त्र, मूंग की दाल, हरे फल और सब्जियों का दान करना चाहिए। जहाँ शादी विवाह में दुर्भाग्य काम करता है, कोई भी कार्य आप करते हैं, हाथ आप देते हैं, वो सक्सेस नहीं होता है, तो गुरु की प्रसन्नता के लिए केले के पेड़ में हल्दी मिश्रित जल चढ़ाकर घी का दीपक जलाना चाहिए। केला, आम, पपीता, ऐसे फल आपको दान करना चाहिए। जो लोग लग्जरियस लाइफ चाहते हैं कि लग्जरीज उनके लाइफ में रहे, क्योंकि शुक्र लग्जरी का प्रतिनिधित्व करते हैं, लक्ष्मी की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो सुहागनों को वस्त्र और श्रृंगार की सामग्री दे करके आज के दिन आपको सम्मानित करना चाहिए। इसके लिए सीधा सीधा उपाय है, आप अपने घर की स्त्री को आज के दिन पायल, बिछिया, कोई भी गहने आदि गिफ्ट करें। यह आपके लिए बहुत लकी होने वाला है। सत्तू, ककड़ी, खरबूजा, दूध, दही, मिश्री का दान भी आप करें तो बहुत बहुत लाभदायक होने वाला है। जिन लोगों के जीवन में शनि और राहु परेशान कर रहे हैं, उनको आज एक नारियल को 7 बादाम के साथ दक्षिणमुखी हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाना चाहिए और वहाँ बैठ करके 1 हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना चाहिए। जिनके जीवन में केतु अनिष्टकारक फल दे रहे हैं, उनको सप्त धान्य, पंखे, खड़ाऊ, छाता, लहसुनिया, नमक का दान करना चाहिए। इसके अलावा संबंधित जो भी अशुभ कारक ग्रहों हैं, उनके मंत्रों का आज के दिन अगर आप जप करते हैं तो दोस्तों माना जाता है कि बहुत बहुत लाभदायक होता है। दोस्तों, सैकड़ों सालों के बाद ऐसा शुभ संयोग बन रहा है। अक्षय तृतीय पे धन संपत्ति का सीधा संबंध वास्तु शास्त्र से होता है और वास्तु शास्त्र में क्या हम बात करते हैं हमेशा, जो भी जीवन की सकारात्मक एनर्जी होती है, नकारात्मक शक्तियाँ होती है, वो हम सबके जीवन पर असर डालती है। इसलिए हम आज बात करेंगे कि किस प्रकार से आज के दिन आप अपने जीवन में सकारात्मक एनर्जी को बढ़ा सकते हैं। प्रत्येक जातक की एक चंद्र राशि होती है और इसी तरह कुंडली में जन्म के समय से संबंधित एक लग्न राशि भी होती है। कोई भी मनुष्य जो होता है, उसका गुण हो, व्यवहार हो, उसका लग्न राशि काफ़ी हद तक प्रभावित करते हैं। यदि आपका कोई काम नहीं बन पा रहा है, आर्थिक रूप से आप तकलीफ में हैं, तो अपनी लग्न राशि के स्वामी ग्रह के अनुकूल उस रंग की कोई भी चीज़ आज आपको अपने साथ रखनी चाहिए। चाहे तो आप स्वामी ग्रह के रंग से संबंधित कोई एक छोटा कपड़ा अपने साथ रख लें, ये भी आपके लिए बहुत बहुत लाभदायक होता है।
जो आपके घर के धन की अलमारी है, ध्यान रखें उत्तर दिशा के कमरे में दक्षिण की दीवार पर लगी हो तो वो धन वृद्धि में लाभदायक साबित होती है। आज शाम को आपको छोटा सा काम करना है, अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों ओर एक घी का दिया जरूर जलाना है। ध्यान रखें दोस्तों, दो दिया जलाना है, दोनों घी का करें या फिर आप दाहिनी ओर का दिया घी का और बाईं ओर का दिया जलाना है। इन दोनों कार्यों से धन की देवी लक्ष्मी प्रसन्न होकर के आपके पास आती है। दोस्तों आप चाहें तो आज गणेश जी के मुख्य गणेश जी के स्वरूप को भी आप अपने मुख्य द्वार पे विराजमान कर सकते हैं। गणेश भगवान के स्वरूप को घर के मुख्य द्वार पे लगाने से घर में धन संबंधित सभी समस्याओं का अंत होता है और घर में नकारात्मक शक्तियों का उदय नहीं हो पाता है। कई बार कई जगह लोग कहते हैं कि तुलसी का पौधा लगाएं, लेकिन दोस्तों आज मैं आपको बता दूं, अक्षय तृतीया के दिन आपको घर पे कभी भी कोई पौधा भूल से भी नहीं लगाना चाहिए, नहीं तो ये बहुत ही अनिष्टकारक होता है और घर पे और बहुत सारे दोष उत्पन्न करता है। आपको आज के दिन हरे चारे आदि गौ माता को खिलाने चाहिए, चाहे सुबह खिलाएं चाहे रात को खिलाएं, और इस प्रकार से अगर आप उपाय करते हैं दोस्तों तो माना जाता है कि आपके जीवन के बहुत सारे क्लेश नष्ट होकर के मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि का वास होता है। जहाँ एक ओर अक्षय तृतीया को बहुत ही शुभकारी माना गया है, दुर्लभ संयोग है, सर्वार्थ सिद्धि योग में आया है दोस्तों, बहुत ही शुभ संयोग में इस बार आया है। और मैंने आप सभी को बताया कि आप हत्ता जोड़ी कर सकते हैं, आज के दिन स्थापित पितृगण के निमित्त आप दान कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों आपको कुछ काम है जो आज आपको नहीं करने चाहिए। जैसे कि आज बिना स्नान किए, वैसे कभी भी नहीं तोड़ना चाहिए तुलसी की पत्तियाँ बिना स्नान किए, लेकिन आज के दिन विशेष रूप से महापाप कहलाता है क्योंकि भगवान विष्णु को तुलसी की पत्तियां बहुत प्रिय होती है, और ऐसे में अगर आज के दिन आप तुलसी की पत्तियां तोड़ते हैं तो ये निषेध माना जाता है। ध्यान रखना है आज शाम को अगर आप माता लक्ष्मी की पूजा करते हैं तो उस समय स्वच्छता और शुद्धता का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए, और अगर आप खुद भी किसी भी गंदी अवस्था में शाम के समय जैसे पूजा करते हैं तो आपने सुबह नहाया और शाम को पूजा करने जा रहे हैं तो ऐसा आपको नहीं करना है। जब भी आप पूजन करने बैठें तो आज के दिन आपको स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन के, हो सके तो सफ़ेद रंग के वस्त्र पहन करके आपको माता लक्ष्मी की पूजा करनी चाहिए। तीसरी चीज जो आपको आज के दिन ध्यान रखनी है और वो है अगर आपने उपवास किया है तो दोस्तों अक्षय तृतीया का उपवास करने वाले को ध्यान रखना चाहिए, आज के दिन व्रत को खत्म नहीं करना चाहिए, किसी भी हालत में उपवास आज के दिन खत्म नहीं करना है। कल सुबह आपको 9 से 10 बजे के बीच पारण करके किसी को भी कुछ दान दक्षिणा करके आपको उसके बाद ही कुछ खाना पीना चाहिए। दोस्तों कुछ लोग बहुत सारे संस्कार करते हैं, मुंडन आदि बहुत सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन ध्यान रखना चाहिए आज के दिन उपनयन संस्कार नहीं होता है, ऐसा करना आपके लिए अशुभ माना जाता है। इस दिन आपको पहली बार जनेऊ बिल्कुल नहीं धारण करना चाहिए। कुछ लोग आज के दिन से यात्राओं की शुरुआत करते हैं तो आज के दिन से यात्रा करना भी वर्जित माना जाता है, और दोस्तों ये बहुत सारे मैंने वीडियोस में बताया है कि अक्षय तृतीया के दिन आप नया मकान खरीदें, नई ज़मीन खरीदें, नया सब कुछ खरीदें, लेकिन फिर भी दोस्तों एक चीज़ आपको बहुत बहुत ध्यान रखनी चाहिए, आज के दिन से आपको निर्माण कार्य शुरू नहीं कराना चाहिए, ऐसा करना अशुभ माना जाता है। अक्षय तृतीया के दिन विशेष रूप से पौधे नहीं लगाने चाहिए, ये भी आपके जीवन में कलह और मुसीबतों को लेकर के आता है, इसलिए ध्यान रखें आज के दिन कोई भी पेड़ पौधे आदि खरीद करके आपको घर पे नहीं लगाने हैं। छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, जिनको करने से आपके जीवन में शुभता और पॉजिटिव एनर्जी का वास होता है। तो कर लीजिए उपाय दोस्तों जो बताए हैं मैंने, जो नहीं करना है, कुछ नहीं कर सके तो कम से कम एक रोटी का दान आज आप ज़रूर करें और अपने मुख्य दरवाजे पर दोनों ओर एक एक दिया लक्ष्मी माता के नाम का आज की शाम आपको ज़रूर जलानी है। टेक केयर फ्रेंड्स, लव यू ऑल, जय माता दी, सब्सक्राइब करके रखें ताकि आप और मैं आने वाले वीडियोस के थ्रू कनेक्टेड रहें। जय माता दी एंड बम बम भोलेनाथ की।